हम सभी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सोशल मीडिया का एडिक्ट हो जाते हैं और सोशल मीडिया हमें पकड़ लेता है। हम सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा काम में और हमारा पढ़ाई में असर पड़ता है या हमारा संबंधों में असर पड़ता है, तब हमें रियलाइज होता है कि हम सोशल मीडिया का एडिक्ट हो चुके हैं, बंद गए हैं और अब वहां से हम छूटने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको सहायता करेगा कि आप सोशल मीडिया का एडिक्शन से बाहर निकल सके। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, कुछ टिप्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। तो अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया का गिरफ्त में जो हम फंस चुके हैं, इसका नशा में हम फंस चुके हैं, तो हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे? कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। आर यू रेडी? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम कुछ टिप्स को जानें, हमें यह जानना जरूरी है कि बाइबल हमें क्या सिखाता है या बाइबल इसके बारे में क्या कहता है। यूहन्ना 8 उसका 32 वचन कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा, और सच्चाई है यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, ग्रहण करते हैं, तो यीशु मसीह हमें हर श्राप, हर पाप या हर बुरी आदत से छुटकारा देता है। आमीन। पौलुस बोलता है कि सब कुछ मेरे लिए उचित तो है, पर सब कुछ मेरे लिए लाभ का नहीं है। ठीक है, सब कुछ उचित है, पर मैं किसी भी बात का अधीन नहीं हूंगा। यहां पौलुस 1 कुरिन्थियों 7 उसका 12 में बोलता है, आई विल नॉट बी मास्टर्ड बाई एनीथिंग। मतलब कोई मेरे ऊपर कंट्रोल करके मुझे चलाए, ऐसा नहीं होगा। हमें भी पौलुस की तरह अपने आप को जांचना है। अगर हम फंसे हुए हैं तो हमें इस बात का निश्चयता अंदर से होना चाहिए या डिसीजन होना चाहिए कि मुझे कोई नचाने वाला या कंट्रोल करने वाला नहीं चाहिए। पौलुस के समान ऐसा हमें बनने का डिसीजन लेना है। बाइबल बताता है कि हम और आप, हमारा जो शरीर है जिसमें आंख, नाक, मुंह, कान, सारा कुछ जो भी है, ये सब कुछ परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर हम में वास करता है। हम पवित्र है और इस मंदिर को साफ रखना है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है, तो हमारा आंख भी परमेश्वर का तारीफ करने वाला, उसका महिमा करने वाला, पवित्र होना है। रोमी 12 उसका 2 वचन बोलता है, इस संसार के सदृश से मत बनो। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, सत्य को जान जाते हैं, तो हम इस संसार से अलग हो जाते हैं। अब हम इस संसार के नहीं रहे। तो इस संसार का सदृश, मतलब इस संसार जैसा करता है वैसा नहीं बनना है, अलग होना है। मैं यहां पर यह नहीं बोल रहा कि आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तब आपको समझ में आएगा। इस संसार में बहुत सारी बातें ऐसी है जो करप्ट है। हमें अपने आप को जांचना चाहिए, अगर कोई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता है, जो संसार का नियम के अनुसार सही है लेकिन बाइबल के अनुसार सही नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें डैनियल का जीवन से कुछ सीखना चाहिए। पता है, डैनियल यरूशलेम से एक दूसरा देश में गया है जहां पर गुलामी में है, और एक राजकुमार की तरह उसके पास बहुत बढ़िया बढ़िया खाने का ऑफर है। ऐसा ऐसा ऑफर है कि खाकर सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन डैनियल ने देखा कि वहां कुछ ऐसा भी चीज है जो हमारा परमेश्वर यहोवा को पसंद नहीं है। मतलब परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता वो खाने का अशुद्ध चीजें। तब डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं ये अशुद्ध भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे पवित्र देखना चाहता है। डैनियल ने अपना मन में ठाना और उसने उसके अनुसार एक्शन भी लिया, मतलब वो व्यवहार में उसको किया। दोस्तों, हमें भी डैनियल की तरह अपना एक कठोर और कड़ा डिसीजन लेना है। अपना लिमिट हमें जानना चाहिए। ओके? बाइबल ये सब बातें बताता है। इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूं उसको आप फॉलो कीजिएगा। बहुत सारा टिप्स है, लेकिन उसमें केवल आपको 13 टिप्स मैं देना चाहूंगा जो आपको सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है उस पर जीत हासिल करने में सहायता करेगा।
आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बात, अपना जो सोच है ना सोशल मीडिया के प्रति थोड़ा सा बदल दीजिए। उसको ऐसे सोचिए कि परमेश्वर ने सोशल मीडिया इसीलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर का जो मैसेज है उसको दूसरों को बता सके। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे ना तो आपको सोशल मीडिया बहुत फायदे का चीज दिखाई देगा। सोशल मीडिया को हमें सिर्फ एक कम्युनिकेशन का माध्यम जैसा समझना है कि हमें बातचीत करना है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, और ज्यादा कुछ नहीं। वर्चुअल रिलेशनशिप से कहीं अधिक महत्व है रियल रिलेशनशिप, मतलब जो वास्तविक संबंध है जो हमारे घर में है, हमारे आसपास या हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स, वो हमारे वास्तविक दोस्त है। और वर्चुअल जो बहुत कहीं दूर में है पर हम उनसे मिल नहीं पा रहे, उनसे कहीं अधिक रियल जो रिलेशनशिप है उसको महत्व हमें देना चाहिए। अब आप सोशल मीडिया का एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपना ध्यान जो है अच्छे कामों में लगाना है। हो सके तो दूसरों का मदद कीजिए और जो रियल फ्रेंड्स है उनके साथ दोस्ती कीजिए। यहाँ एक अच्छा आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये कि आप जैसे सप्ताह में एक बार आप मोबाइल फास्टिंग कीजिए या सोशल मीडिया फास्टिंग कीजिए। ये क्या है, आप सप्ताह में एक दिन अपना डेटा जो है सुबह से लेकर के शाम 6 बजे तक या पर्टिकुलर टाइम तक बंद रखेंगे, डेटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो इससे क्या होगा, आप अपने आप को सोशल मीडिया से सप्ताह में एक बार दूर रख रहे, शांत रहेंगे आप। यह आपको सहायता करेगा कि आप सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है उससे बाहर निकल सके। अगर आपके पास कोई आइडिया है या कोई एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया एडिक्शन का तो आप प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए ताकि आपका जो गवाही है उसे देखकर दूसरे लोग भी उत्साहित हो सके। रात में एक खास समय के बाद मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। सोने के पहले या तो मोबाइल किनारे दूर में रख दीजिए या फिर मोबाइल के अंदर एक ऐसा टाइमिंग सेट कर दीजिए कि रात में एक खास समय के बाद मोबाइल ऑफ हो जाए और सुबह 6 बजे या 5 बजे जैसा आपको ठीक लगे मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। आपका कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता मेंटर कैसे चुनते हैं या मेंटर कौन होते हैं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं आई बटन में क्लिक करके। आप अपने मेंटर को या अपने सीनियर को बताइए, उनसे मदद लीजिए, उनके प्रति अकाउंटेबल रहिए और हफ्ता में एक बार आप मिलने के लिए कोशिश कीजिए, मिलकर बातचीत कीजिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपने कैसे किया, किस तरीके से आप दूर रहे या कहां तक आपका प्रोग्रेस हुआ है। आप अपना मेंटर को बताइए, हो सकता है कि आपका मेंटर आपको इनकरेज करे या हो सकता है आपका मेंटर आपको डांटे और सुधार करने के लिए आपको उत्साहित करे। हम में से हर एक कुछ ना कुछ समस्या को झेलते रहते हैं। समस्या ऐसा है जो अंदर चल रहा है लेकिन कोई नहीं जानता। हमें अंदर से मन करता है कि हम लोगों को बताएं, तो अच्छा होगा कि आप सोशल मीडिया में उसको पोस्ट करने के बजाय कम से कम 3 दोस्त को कॉल करके आप बात कीजिए, या फिर अगर आसपास हमारे दोस्त है तो उनके साथ बैठ के बात कीजिए, बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और आपके दोस्तों का भी कर्तव्य बनता है कि वो सुने, बात कीजिए। सोशल मीडिया में अपना फीलिंग्स शेयर करने से अपने आप को रोके, बहुत ज्यादा वर्चुअली डिपेंड रहने से अपने आप को रोके। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, प्रार्थना करते हैं सुबह उठकर, तो हम परमेश्वर से सामर्थ पाते हैं और धीरे धीरे हम सोशल मीडिया के एडिक्शन से बाहर निकलते जाते हैं। आधा घंटे बाद या 20 मिनट के बाद आप सोशल मीडिया जो भी मैसेजेस आया है चेक कीजिएगा। और हाँ, एक जरूरी बात, जब भी वॉशरूम जाए बिना मोबाइल लिए जाए। दोस्तों, मैं भी कभी कभी मोबाइल लेकर वॉशरूम में बैठ जाता हूँ, न्यूज़ देखना या मैसेजेस चेक करना, 15-20 मिनट उधर ही बीत जाता। लेकिन आजकल क्या करें, जहाँ मेरा वॉशरूम है वहाँ मोबाइल का नेटवर्क आता ही नहीं। सो अगर हम इस तरीके का आदत को अवॉइड करते हैं तो हम धीरे धीरे सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है उसको ओवरकम कर सकते हैं।
बहुत अच्छा होगा अगर आप एक यूथ है तो अपने आसपास मसीही संगति को खोजिए, और ऐसा संगति जो आपको आपका जरूरत के हिसाब से परमेश्वर का वचन दे। आप वीकली बाइबल स्टडी से जुड़ जाइए, और नहीं तो कम से कम ऑनलाइन बाइबल स्टडी के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। मोबाइल के अंदर में एक टूल होता है डिजिटल वेलबींग। आप इस टूल को इस्तेमाल करके जान सकते हैं कि कितना समय आपने सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कुछ भी इस्तेमाल किया है। आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप लगता है कि आपको कम करना चाहिए तो वहां आप कुछ अलार्म या कुछ चीजें सेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको इतना ही इसका इस्तेमाल करना है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 में लिखा है कि जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। लिखा है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, और आगे लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर का वचन याद करें, और जब हम वचन याद करते हैं तो वचन हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर ऐप जैसा काम करता है, वो अंदर चला जाता है और फिर हमें बताता है कि जॉन ऐसा मत करो, यहां ये पर गड़बड़ है, आगे मत जाओ, यहां पर बाउंड्री है। ऐसा परमेश्वर का वचन जो है आवाज देता है, याद दिलाता है। सो हमें परमेश्वर का वचन को याद करना चाहिए। जब हम ये सब कुछ करने लगेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा कि हम सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है उसे बाहर निकल जाए। दोस्तों, कोई भी आदत बनने में 21 से 30 दिन का समय लगता है, और हम चाहेंगे कि आप कम से कम 1.5 महीना इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा कि आप सोशल मीडिया का एडिक्शन से बाहर निकल जाए। आमीन। दोस्तों, किसी समय मैं भी सोशल मीडिया का एडिक्ट था, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सहायता किया कि मैं सोशल मीडिया को दूसरा दृष्टिकोण से देखने लगा, और अब मैं इसका इस्तेमाल परमेश्वर का संदेश दूसरे लोगों को पहुंचाने के लिए करता हूं। सो हमें भी चाहिए कि हम अपना जीवन में बदलाव को ग्रहण करें, और परमेश्वर आपको प्यार करता है, वो आपका जीवन में अपना काम करेगा।